वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम सॉफ्ट जूसी मलाई टिक्का की रेसिपी देखेंगे और पांच ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से डिस्कवर करी और जो आपको कोई नहीं बताया। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैरिनेशन के लिए 3 टेबलस्पून फ्रेश हंकर्ड, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई, उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ व्हाइट पेपर पाउडर का। व्हाइट पेपर नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल काली मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे अबाउट 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून अराउंड में डाल रहा हूँ चीज। तो टाइम आ गया अब टिप नंबर 1 का, मैरिनेट शुड बी वेरी थिक। अगर थोड़ा सा भी दही का पानी होगा तो वो पीसेस पर, चिकन के पीसेस पर स्टिक नहीं करेगा और बाद में क्रिस्प और अच्छा टिक्का नहीं बनेगा। सो अब इसमें बहुत ही फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि हमें बाद में भी ऊपर से डालना होगा। इसमें अराउंड 250 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के पीसेस डाल रहा हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मैरिनेट स्टिक कर जाए। अब टाइम है टिप नंबर 2 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज गो फॉर ओवरनाइट मैरिनेशन। बेस्ट सॉफ्ट और जूसी टिक्का के लिए हमेशा ट्राई करिए कि चिकन एक रात पहले ही फ्रिज में पड़ा रहे। ये चीज़ें आपको कोई रेसिपी वीडियोस में नहीं बताएगा क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से फ़र्क देखा है कि 1 या 2 घंटे मैरिनेट करने से वो बात नहीं बनेगी, वो सॉफ्टनेस और जूसीनेस नहीं आएगी टिक्के में। इसे ओवन की बेकिंग ट्रे में मैंने फॉइल लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं, आप नॉर्मल पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं। अब इसे मैं वुडन स्टिक्स में लगा लूँगा। अगर आपके पास वुडन स्टिक्स भी नहीं है तो आप नॉर्मल ऐसे ट्रे पर रख सकते हैं या अगर आप पैन में ग्रिल कर रहे हैं तो वैसे ही कर सकते हैं। तो और अब टाइम है टिप नंबर 3 का, कभी भी टिक्का बनाते हुए इकट्ठे इन पीसेस को बिना स्पेस छोड़े नहीं रखना क्योंकि फिर हीट सर्कुलेट नहीं होगी और प्रॉपर फिर एक अच्छी क्रिस्प लेयर नहीं आएगी और टिक्का गीला और सॉगी सा बनेगा। उसके बाद टाइम है अब टिप नंबर 4 का कि इसे कुक करने से पहले अवन, इस टाइम अब आप प्री हीट पे लगा सकते हैं इसको जब आप स्टैक कर रहे हो। सो टिप नंबर 4 ये है कि अवन फुल हीट यानी कि 220 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट होना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जो होता है बहुत ही जल्दी कुक होता है और ये तभी रबर जैसा टेस्ट करेगा अगर आप 15-20 मिनट से ज़्यादा कुक करते हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स और कैटरर्स वगैरह जो तंदूर बनाते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और तभी वो बहुत जूसी और क्रिस्प लेयर देता है बाहर से। और अब मैं इसे बटर या ऑयल से आप ब्रश करेंगे, मेरे पास स्प्रे ऑयल है, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ऑलरेडी हम प्री हीटेड ओवन में इसको रख देंगे, अराउंड 15 से 20 मिनट लेगा ये कुक होने में, एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कुक हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप नंबर 5 कि इसे हम एक कोयला के पीस को जलाकर इसे धुआं देना है, क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट या कैटरर्स जैसे तंदूर नहीं है बट मैं सच बता रहा हूँ कि इसमें घी डालिए, इसे 5 मिनट अच्छे से ढकिए और ये बिल्कुल स्मोकी तंदूर का फ्लेवर देगा। देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा टेस्ट करेगा। सो ये रेसिपी मेरी बातों को ध्यान में रखकर जरूर ट्राई करिए और आई गारंटी कि ये बेस्ट मलाई चिकन टिक्का होगा। रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।